वेलकम टू माई चैनल द हिस्ट्री विथ फैक्ट्स आज हम देखेंगे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्राम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कोश्चन्स पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फ़ॉर द दर्दर कमिंग वीडियोज़ और आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको आई एम माई सेल्फ नेट एंड सेट इन हिस्ट्री इफ यू वांट द सेम दैन स्टेट विथ माई चैनल चलते हैं आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इज़ नॉट करेक्ट, ये देखना है हमें इसका ध्यान रखना है चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें हमें देखना है कौन सा वाला करेक्ट नहीं है अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहला वाला स्टेटमेंट है द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी एट सेंटर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है इस एक्ट ने डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस की मीन्स के डायरकी आर्की रूल ऑफ टू रूल ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसल और रूल ऑफ इलेक्टेड पॉपुलर मिनिस्ट्री बी वाला स्टेटमेंट है द एक्ट ट्रांसफर्ड फाइनेंशियल कंट्रोल फ्रॉम न्यू डेली टू लंडन ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है बल्कि इस एक्ट ने क्या किया इसने ट्रांसफर किया फाइनेंशियल कंट्रोल फ्रॉम लंदन टू न्यू दिल्ली ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है सी वाला स्टेटमेंट है द एक्ट एन लार्जड एलेक्टोरेट टू थर्टी मिलियन एन फ्रेंचाइजड टेन परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है डी वाला स्टेटमेंट है इट प्रोवाइडस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद सेव गार्डस इन द प्रोवेंस ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है सो so, ओनली बी वाला स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर बी ओनली। क्वेश्चन नंबर टू है द स्टेटमेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट आफ्टर ऑल वी फ्रेमड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935, बिकॉज वी थॉट इट द बेस्ट वे टू होल्ड इंडिया टू द अम्पायर वाज मेड बाई क्वेश्चन कहता है जो ये स्टेटमेंट है कि एक्ट uh, ऑफ 1935 को पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यही एक बेस्ट वे है कि हम इंडिया को हम अपनी ब्रिटिश अंपायर के साथ होल्ड रख सकते हैं ये स्टेटमेंट किसने दिया था किस वाइस रॉय ने दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिन लिथगो ये इसी ने दिया है ये स्टेटमेंट लॉर्ड लिन लिथगो जो कि गवर्नर जनरल था फ्रॉम 1936 टू 1943। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु इज़ नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द गांधी किसको पॉलिटिकल गुरु ऑफ़ द गांधी कहा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्णा गोखले गोपाल कृष्णा गोखले इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द गांधी क्योंकि गांधी की जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस की सेम आइडियालॉजी uh, थी गोपाल कृष्ण गोखले की और गांधी इसको अपना पॉलिटिकल गुरु समझता था क्वेश्चन नंबर फोर है, विच फैमीन माइड बी कॉल्ड मोर मैन मेड दैन एन एक्ट ऑफ गॉड। इन चार वाले फेमीन इसमें से किस वाले फेमी को कहा जाता है कि ये मोर मैन मेड था दैट इज़ इट वॉज क्रिएटेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैन बाई द नेचर और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए द ग्रेट फेमिन ऑफ बंगाल 1942-43 में जो आया था क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्पांसबल अप्रोच एडाप्ट किया टू टूवर्ड दिस फेमिन क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में उस वक़्त फूड नीड थी फॉर दोलजर्स और बंगाल को ए, ए, इसकी तरह ध्यान नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इट वाज मोर मैन मेड देन एन एक्ट ऑफ गॉड क्वेश्चन नंबर फाइव है बाय विच एक्ट स्लेवरी वाज एबॉलिश इन इंडिया क्वेश्चन कहता है जो स्लेवरी है जिसको एबॉलिश किया गया किस एक्ट के द्वारा एबॉलिश किया गया और इस क्वेश्चन का आंसर है द एक्ट वी ऑफ़ 1843, एक्ट फोर ऑफ 1843 इसने स्लेवरी को एबोलिश किया जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वो रिकमेंड करता था उसका एक फ़ीचर था जो रिकमेंड करता था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और फिर इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के इस फीचर को एमेंड किया गया आ, 1843 में जिससे सिलेवरी uh, को एबॉलिश किया गया और उस एमेंडमेंट को कहते हैं द एक्ट वी ऑफ 1843 जो, जो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है मैच द फॉलोइंग करेक्टली दो कॉलम्स दिए हुए हैं इनको हमें करेक्टली ज्वाइन अप करना है एक कॉलम में न्यूज़पेपर्स हैं दूसरे में हैं एडिटर्स उन न्यूज़ के एडिटर्स के नाम ए वाला जो है न्यूज वाले कॉलम में नवजीवन इट्स एडिटर वाज गांधी आई वाला पार्ट एडिटर वाले कॉलम में बी है बम्बई दर्पण इसका एडिटर था बाल शास्त्री जम्बेकर सी वाला है हिंदू पेट्रियाट इसका एडिटर था गिरीश चंद्रा घोष डी वाला है अमृता बाजार पत्रिका इसका एडिटर था तुषारकांत घोष सो so, नवजीवना नवजीवन को आएगा गांधी, बॉम्बे दर्पण को आएगा बाल शास्त्री जम्बेकर हिंदू पेट्रियाट को आएगा गिरीश चंद्रा घोष अमृता बाजार पत्रिका को आएगा तुषार कांत घोष और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है विच इंडियन नेशनलिस्ट आफ्टर हिज डेथ वॉज प्रोक्लेम्ड बाई प्रिंस एमंग पेट्रियाट्स फॉर इंटीग्रेटिंग मैन एंड वूमेन फ्राम ऑल रेलि रिजनज एंड रिलिजनज किस इंडियन नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट को गांधी ने प्रोक्लेम किया कि वो प्रिंस एमंग द पेट्रियाट्स हैं क्यों क्योंकि उसने इंटीग्रेट किए मैन एंड वूमेन फ्राम ऑल रिजनज एंड रिलिजनज और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने कहा प्रिंस एमेंग द पेट्रियाट्स क्योंकि जब उसने इंडियन आर्मी बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी उसमें उसने इंक्लूड किए थे मैन एंड वुमेन फ्राम ऑल रिजनज एंड रिलिजन ऑफ इंडिया इसलिए गांधी ने उसको कहा था प्रिंस अमंग द पेट्रियाट्स क्वेश्चन नंबर एट है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाई गांधी वॉज अपोज बाई किसने नॉन कापरेशन मूवमेंट को अपोज किया जब गांधी ने उसे लॉन्च किया इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्रपाल वो मूवमेंट्स पे बिलीव नहीं करता था वो नॉन वायलेंट अप्रोच पर बिलीव करता था वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर था बाकी भी थे ला लाला लाजपत ला, ला, राय भी था बाल गंगाधर तिलक भी था लेकिन उन्होंने अपोजिशन नहीं की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकिन बिपिन चंद्रपाल ने अपोजिशन की गांधी को फॉर लॉन्चिंग द नॉन कापरेशन मूवमेंट जिसको लॉन्च किया गया जनवरी नाइनटीन में इन नागपुर सेशन ऑफ नाइनटीन नागपुर सेशन 1920 ट्वेंटी में उसको एडॉप्ट किया गया और जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी वन को में उसको लॉन्च किया गया और बिपिन चंद्र पाल ने उसकी अपोजिशन की थी क्वेश्चन नंबर नाइन है फ्रॉम एमंग फॉलोइंग हु वॉज नॉट ए प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन चार में से जो कि इंग्लिश मैन थे इन चार इंग्लिश मैन से कौन सा वाला एक इंग्लिश मैन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का नहीं रहा है ऑप्शन ए जो है जॉर्ज यूल ये था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ अलाहाबाद 1888 में जो हुआ बी वाला जो है हेनरी कॉटन ये भी था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बम्बई सेशन ऑफ 1904 सी जो है एल एल्फर्ड वेब ये भी था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट मद्रास सेशन ऑफ 1894 और डी वाला ऑप्शन जो है चार्लिस एफ एंड्रीव्स ये नहीं था प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी सेशन का सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा चार्लिस एफ एंड्रीव्स क्वेश्चन नंबर टेन है द सिस्टम अंडर विच पीजेंट्स ऑफ चंपारन वेयर फोर्सड टू प्रोड्यूस इंडिगो इन थ्री ट्वेंटीन्थ पार्ट ऑफ दियर लैंड वाज क्वेश्चन कहता है जो इंडिगो सिस्टम था इंडिगो प्लांटेशन था पीजेंट ऑफ द चम्पार उनको फोर्स किया गया था एक सिस्टम के अंडर कि उनको थ्री पार्ट्स ऑफ दिन पार्ट्स ऑफ दियर लैंड में उन्हें आ, इंडिगो कल्टिवेट करना है आउट ऑफ दियर इयर ट्वेंटी पार्ट ऑफ द लैंड थ्री पार्ट देव टू कल्टिवेट द इंडिगो आ, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उस सिस्टम का नाम था ऑप्शन नंबर बी तिनका तनकातिया सिस्टम के अंडर चंपारण पीजेंट्स को फोर्स किया गया था कि उन्हें थर्ड पोर्शन ऑफ दियर लैंड में इंडिगो कल्टिवेट करना है इसका उस सिस्टम का नाम है तनकातिया सिस्टम इस तरीके से हमने देखे आज के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोज़ को शेयर करो आ, थैंक्स फॉर वॉचिंग फे अमान